BRTS तोड़ा गया, बहुत अच्छा तोड़ा गया, इससे यातायात भी थोड़ा सा कंट्रोल में आया। और लेकिन आप ये सड़कों की हालत देख लो आप, साइकिल ट्रैक पे आज तक साइकिल चलती हुई देखी ही नहीं हमने, साइकिल ट्रैक पे साइकिल ही नहीं देखी है। साइकिल ट्रैक पे साइकिल चलती हुई नहीं देखी हमने। यहाँ एक दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनी है, यहाँ पे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी जो है अधिकतर आती रहती है, यहाँ पे बाइक्स वगैरह, यहाँ पे कार भी खड़ी हो जाती है, तो एक दिक्कत तो ये होता है साइकिल चलाने में। भाई साइकिल इस रास्ते से जाएगी, जो वॉकिंग करने वाले इस रास्ते पे चलेंगे, कहाँ जाएंगे? गड्ढे देख लो आप कितने हो रहे हैं उसमें, और ऐसे कबाड़ जैसे रखे पड़े, कोई मेंटेन नहीं है यहाँ पे। गाड़ियाँ आपकी, साइकिलें देख लो आप, इसका आज तक देखा ही नहीं मेंटेनेंस, बनने के बाद छोड़ दिया नहीं। और तो क्या। नमस्कार, न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे, और नर्मदापुरम रोड पे खड़ा हुआ। अभी हाल ही में सरकार ने बहुत करोड़ों की लागत से बने BRTS को हटाया था, इसके बाद अब हम आपको रियलिटी चेक बताने आए हैं। जो साइकिल ट्रैक बना था BRTS के साथ ही, साइकिल ट्रैक अभी भी है, लेकिन कह सकते हैं कि हालत देख के आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है। यहाँ साइकिल तो छोड़िए, अब चलने की भी अच्छी हालत नहीं बचे हैं। जो यहाँ पे बोल्डर्स लगाए गए थे, दिखाऊं मैं सहयोगी से बोलूंगा, इधर के ये जो बोल्डर्स थे जिनसे बाइक वगैरह रोकने की जगह बनाई गई थी, अब वो भी टूट चुके हैं। इसके कारण देखिए स्कूटी भी घुस रही है, और बस साइकिल के लिए बनाया गया था ये, लेकिन अब स्कूटी बाइक सब कुछ घुस रही है। देखिए स्कूटी आ रही है, सब कुछ आ रही है, और देखिए तो साइकिल ट्रैक अब सिर्फ नाम का रह चुका है, और यहाँ पे कार तक खड़ी हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे बोल्डर्स टूट चुके हैं। क्या नाम लिखते हो? अभिषेक गोदिया। कहाँ के रहने वाले हो? मिसरोद। मिसरोद के रहने वाले हो। BRTS तोड़ा गया था, अब ये साइकिल ट्रैक है, क्या हालत है साइकिल ट्रैक के? साइकिल ट्रैक पे आज तक साइकिल चलती हुई देखी ही नहीं हमने, साइकिल ट्रैक पे साइकिल ही नहीं देखी, साइकिल ट्रैक पे साइकिल चलती हुई नहीं देखी हमने, कोई चलाते ही नहीं है, सबके पास पर्सनल गाड़ियां हैं, साइकिलें हैं, और हालत भी वैसे नहीं है, हालत भी वैसे नहीं है, सब पैसे वाले हैं हमारे इधर, वैसे मेंटेनेंस नहीं किया जाता इसका, इसका आज तक देखा ही नहीं मेंटेनेंस, बनने के बाद छोड़ दिया नहीं। और तो क्या। अच्छा, कभी नहीं किया काम? कभी नहीं किया, झाड़ू वाड़ू लग जाती है तो लग जाती है। झाड़ू कितने दिनों में लगती है? लग जाती है हर एक दो दिन में, हर एक दो दिन में। अच्छा, ये वाली साइकिलें कभी यूज की आपने? आज तक नहीं कभी। अच्छा, हालात की बात करें कैसी लग रही है, कभी इनको लोगे रेंट पे? नहीं नहीं। क्यों? हालत ही उनकी ऐसी है, खंडहर बना दिया है। हाँ, वैसे भी वो क्रेडिट कार्ड से चलती है, हमारे तो क्रेडिट कार्ड तो होगा नहीं हमारे पास, एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड। इनको रेंट पे लेना बहुत मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम तो नहीं है घर, फिर भी कोई नहीं चलाता आजकल उनको। तो ये कहीं ना कहीं निगम पैसों की बर्बादी नहीं कर रहा है जनता की, आपके और मेरे पैसे की? हाँ, हो सकता है ऐसा। हाँ, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू। क्या नाम लिखते हैं? मैं भूपेंद्र राव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, गोविंदपुरा का। गोविंदपुरा के सर्विस मेरी यही है। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा सेठ का यही मकान है। अच्छा, बात करें साइकिल ट्रैक, BRTS तोड़ा गया? BRTS तोड़ा गया, बहुत अच्छा तोड़ा गया, इससे यातायात भी थोड़ा सा कंट्रोल में आया। और लेकिन आप ये सड़कों की हालत देख लो आप, यहाँ से लेके वहां तक देख लो आप, गड्ढे जब से बना है उसके बाद मेंटेन नहीं किया, कोई मेंटेन नहीं है यहाँ पे। गाड़ियां आपकी, साइकिलें देख लो आप, जा तो रही है लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है आपकी साइकिलों में, ना कुछ लगा है, ना कुछ है आपका, दिख रहा है कुछ? ये देखिए आप हालत क्या हुई है। ये तो पहले कितना अच्छा था, यहाँ बंद कर दिया है, स्टाफ आ गया, पीछे से लड़के जाते हैं, लेडीजें घूमती हैं यहाँ पे, कुछ मेंटेन तो करवाइए, पहले सब कुछ था यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, गाड़ियाँ भी चलती रहती, सब गाड़ियाँ भी, पैदल वाले तो ठीक है, साइकिल आपने काहे के लिए दी है? सिर्फ वॉक करने के लिए दी ना, ये वॉकिंग ट्रैक है कि लोगों के गाड़ी जाने का वो है, रास्ता है, रास्ता वो दिया है ना आपको इतना बड़ा, आप जाएंगे उससे? भाई साइकिल इस रास्ते से जाएगी, जो वॉकिंग करने वाले इस रास्ते पे चलेंगे, कहाँ जाएंगे? गड्ढे देख लो आप कितने हो रहे हैं उसमें, कोई मेंटेनेंस नहीं है, दीवारें देख लो आप, ना पुती है ना कुछ है, अंधेरे में रात में गाड़ियां दिखती नहीं, रात में खूब गाड़ियां ठुकती हैं यहाँ पे। अच्छा, एक्सीडेंट होते हैं? बहुत होते हैं। अच्छा, बात करें भोपाल की सड़क, जैसे मेपल हाट के सामने की सड़क चांद का एहसास कराती है? यहाँ मिसरोद से अपना हबीबगंज नाके तक, अंडरब्रिज तक रोड एक नंबर है, जो बनती चली आ रही, जो गड्ढे वो भी पूरे भराते चले आ रहे हैं, अब बनती आ रही है रोड, रोड अच्छी होती जा रही है, रोड के बुराई मुराई नहीं करेंगे हम। BRTS तोड़ा, बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ पूरी सड़क के ऊपर, मंडी थी भोपाल, बहुत जल्दी जितना ट्रैफिक लगता था पूरा ट्रैफिक खत्म हुआ, फ्लाई ओवर बनने से भी बहुत खत्म हुआ, मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो काम के चक्कर में बहुत सारी परेशानी आई लोग बागों को, उसके बाद भी अब सही मेंटेन आ गई है ये रोड तो, अब आगे की जो रोड है अब वो मेट्रो वाले जाने, क्योंकि हर जगह उनने बैरिकेड लगा रखे हैं, उनसे बोलिए आप कि वो हटाएं अपने यातायात, अपना वापस से वैसे चलने लगे पुराने जैसा। अच्छा,
लेकिन कह सकते हैं कि साइकिल ट्रैक अब सिर्फ साइकिलों के लिए नहीं बचा है। साइकिलों के लिए नहीं बचा, टू व्हीलर के लिए बचा है। वो साइकिल वाला तो बचे ही नहीं है। आप साइकिलों की हालत देख लो, स्टाफ की हालत देख लो आपकी, जर्जर है, जर्जर हो रही है पूरी। स्टाफ पे कुछ बचा नहीं है। साइकिल ले आती है, वो ले आते खोल खाल के वापिस अपनी रगाई उनने, चल रही है। रोडे देख लो आप, यहाँ से लेके पूरी वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, चलने की कंडीशन में है कोई? आपने देखा कभी कोई? नहीं, चलने की कंडीशन में तो यार उसका हालत देखो ना आप, ना धुलती है। अब कोई आएगा तो अपना कपड़ा लाए सबसे पहले, गाड़ी पूछेगा, साइकिल साफ करेगा, फिर जाएगा जॉगिंग पे अपनी। अच्छा, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर। कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं यहीं पे झारखंड से रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ स्टूडेंट है। कहाँ पे रहते हैं आप आसपास? इधर नहीं, पास में रहता हूँ। अच्छा, साइकिल ट्रैक है ये? हाँ। कभी आपने ली साइकिल वगैरह यहाँ से? नहीं, मैंने नहीं है। अच्छा, यहाँ एक दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनी है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी जो है अधिकतर आती रहती है यहाँ पे। हाँ। बाइक्स वगैरह यहाँ पे, कार भी खड़ी हो जाती है। हाँ। तो एक दिक्कत तो ये होता है साइकिल चलाने में, और दूसरा यहाँ पे कुछ गड्ढे वड्ढे वगैरह आ जाते हैं बीच में। हाँ। तो ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा यहाँ पे साइकिल अगर इंस्ट्रक्शन कुछ मिल जाए यहाँ पे। हाँ। कुछ बेहतर से। हाँ। तो वो और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ और ऐसे कबाड़ जैसे रखे पड़े हैं। तो मन भी नहीं होता लेने का फिर? नहीं नहीं ऐसा, हाँ ऐसा कोई कोई अगर चाहता है तो कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम होता है ऐसे। अगर इसकी अगर इसको और बेहतर कर दी जाए, मेंटेनेंस बढ़िया कर दी जाए तो और बढ़िया हो सकता है। अच्छा, तो कह सकते हैं यहाँ पे साइकिल तो चलाना दूर की बात है, अब चलना भी दूर है। हाँ हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है साइकिल चलाने में यहाँ पे, और मेंटेनेंस जरूरी है, जरूरी है, और गाड़ियाँ वाड़ी यहाँ पे आती रहती है, ये बात है। तो इसके कारण पैदल जो यात्री चलते हैं इस ट्रैक पे, उनको भी परेशानी होती है, अचानक गाड़ियाँ आके पीछे ठोक भी सकती हैं, और कारें पार्क है यहाँ पे, कार पार्किंग हो चुकी है, अब ये कार पार्किंग बन गई है। साइकिल ट्रैक बनाया था आपने, लेकिन अब उसमें कार पार्क हो रही है, साइकिल चलाना और पैदल चलना तो अब दूभर हो चुका है। तो निश्चित इसको लेके नगर निगम पता नहीं कहाँ सोया है, कब आंख बंद करके बैठा है, इसको लेके कुछ उसको निर्णय लेने चाहिए। यहाँ का मेंटेनेंस होना चाहिए समय समय पे। और ऐसी और फील्ड रिपोर्ट के लिए, रियलिटी चेक के लिए बने रहिए मेरे यानी अनुराग के साथ। आप देख रहे थे न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश।